सो हेलो गाइस, रियलमी ने ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म कर दिया है इसका न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी का सी सीरीज रियलमी C67 स्मार्टफोन अब जल्दी इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। इसकी जो लॉन्च डेट वो कंफर्म हो चुकी है, 14 दिसंबर को ऑफिशियली ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में लॉन्च देखने को मिलेगा और काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन लेके आता है। इसके अंदर आपको किस तरीके की प्राइसिंग देखने को मिलेगी, क्या वैल्यू फॉर मनी रहेगा, मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, पूरे स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। देन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी गाइस जरूर से कर देना। चलते हैं आज की वीडियो में। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रियलमी C67 5G के डिजाइन से। देखो बैक की तरफ देखोगे प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है, इस तरीके का कुछ डिजाइन देखने को मिल जाता है जैसा आपको रियलमी 11X में भी देखने को मिला था। एंड यहां पे आपको जो डिजाइन है वो काफी स्टाइलिश देखने को मिल जाता है, इन एंड फील काफी बढ़िया मिलेगा और डिजाइन वाइज तो काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा रियलमी की जितनी भी सी सीरीज होती है वहां पर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें डिस्प्ले की 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और UI भी आपको यहां पे काफी क्लीन देखने को मिलेगा। कंटेंट वाचिंग के लिए आपको काफी मजा आने वाला है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है और डिजाइन आपको ग्लॉसी डिजाइन में देखने को मिलेगा जो कि प्रीमियम फील देता है। बात करें इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा के बारे में, बैक की तरफ देखने जाओगे ड्यूएल कैमरा सेटअप मिलेगा, LED फ्लैश देखने को मिल जाता है जहां पे आपको मेन सेंसर 50 MP का गाइस दिया जाएगा, सेकेंडरी कैमरा 2 MP का मिलेगा, कैमरा से भी आप काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज वगैरह ले सकते हो, नो डाउट काफी अच्छा कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट के अंदर आपको 8 MP का सेल्फी शूटर लेंस मिलेगा जो कि पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल जाता है। और बैक की तरफ आप इसके जो डिजाइन वगैरह देखोगे काफी प्रीमियम फील देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी डिजाइन के साथ काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर गाइस बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, किस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्या इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर पाओगे, तो यहां पर आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट मिलता है जो कि 5G चिपसेट पर आपको काफी अच्छी स्पीड देने वाला है और ये जो प्रोसेसर है 6nm फैब्रिकेशन पे गाइस वर्क करता है। यहां पे आपको बैटरी ड्रेन भी काफी कम देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एडिशनल फीचर्स के बारे में, देखो यहां पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, टाइप सी का भी सपोर्ट मिलेगा और ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 13 पे वर्क करता है, तो यहां पे आपको जो स्पीड वगैरह वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। सो गाइस बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी सपोर्ट के बारे में, यहां पे आपको 5000 mAh की गाइस बैटरी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसको चार्ज करने के लिए 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फास्ट चार्जिंग होने के कारण यहां पे आपको जो स्मार्टफोन है जल्दी चार्ज हो जाएगा और UI देखोगे ना काफी क्लीन UI मिल जाता है, नो ब्लू देखो मिलेंगे। एंड देखो अच्छा सा स्मार्टफोन देखो मिलेगा, प्रीमियम फील देता है। एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, देखो इंडिया के अंदर 14 दिसंबर को फाइनल ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च हो रहा है और इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 11,000 से 12,000 के लगभग देखने को मिल जाएगी। सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसके स्पेसिफिकेशन ओवरऑल बढ़िया देखने को मिल जाते हैं और यहां पर अगर आप इसको चॉइस करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते थे अभी 11,000 या 12,000 के बजट में, देन इसको कंसिडर कर सकते हो, वेट भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको स्मार्टफोन गाइस वो भी आप कमेंट करके बताना, कैसी लगी वीडियो वो भी गाइस बता ही सकते हो और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं है वो भी गाइस जरूर से कर देना। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।